अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि स्पीड रैंपिंग किस तरीके से की जाती है। चले प्रीमियर को ओपन करते हैं। ये हमने प्रीमियर ओपन कर लिया है और मैंने ऑलरेडी दो फुटेजेस इंपोर्ट की हुई है प्रीमियर के अंदर। राइट क्लिक करेंगे, शो क्लिप की फ्रेम्स में जाएंगे, टाइम रीमैपिंग में जाकर स्पीड को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यही हम दूसरे क्लिप के साथ भी करेंगे। इसके बाद हम प्लस दबा कर जूम करेंगे। हम पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमने जहाँ से टाइम रैंपिंग शुरू करनी है वहाँ पर हम की फ्रेम लगा देंगे और यही हम सेम दूसरे क्लिप के साथ भी करेंगे कि जहाँ तक हमने स्पीड रैंपिंग करनी है जिससे एक स्मूथ सी ट्रांजिशन बन जाए हम वहाँ पर की फ्रेम लगा देंगे। स्केल को अप करेंगे, पहले क्लिप का भी और दूसरे क्लिप का भी हम स्केल को अप करेंगे। जिस पार्ट का हम स्केल अप करेंगे उस पार्ट की स्पीड तेज़ हो जाएगी। फिर हम रिपल डिलीट कर देंगे। हम दोबारा प्लस दबा के जूम करेंगे और उसी एक जो की फ्रेम लगाया था क्लिप के अंदर उसको हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट के अंदर और उसके बीच में आपको एक और पॉइंट नज़र आ रहा है, हम इसको घुमाएंगे या हम इसको भी हम स्केल अप कर ले या आप घुमा ले। इससे टाइम रैंपिंग के अंदर स्मूथनेस आ जाएगी। जो कि एक झटके के साथ स्पीड तेज़ हो रही थी वो अब स्मूथली स्पीड तेज़ हो जाएगी। यही हम सेम दूसरे क्लिप के साथ भी करेंगे। अब आप क्लिप को प्ले करके देखें और एक खूबसूरत सी ट्रांजिशन बन गई है दो क्लिप्स के दरमियान में। और इसी तरह आप किसी एक सिंगल क्लिप के अंदर भी टाइम रैंपिंग कर सकते हैं। जिस तरह आजकल टिकटॉक के अंदर एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन है वेलोसिटी इफेक्ट, वो भी आप इसके ज़रिए बना सकते हैं। इसी तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखकर अपने स्किल को इन्हेंस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।